प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि नागरिकों के संस्कारों और मूल्यों से बनता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बोले सीएम बघेल, राजनीति में हर जाति के व्यक्ति को महत्व देना जरूरी। देवभोग के 3 नए उत्पाद बाजार में, कृषि मंत्री ने लॉन्च किए डेयरी व्हाइटनर, प्रोटीन ड्रिंक और कुकीज। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में 3 दिवसीय लोक मड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संस्कारों और मूल्यों से मिलकर बनता है। श्री मोदी ने वाराणसी में आज जंगम बाड़ी मठ में श्री जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी समारोह कार्यक्रम के समापन में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि नागरिक के रूप में हमारा आचरण एक नए भारत के भविष्य और दिशा को तय करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश शक्ति से नहीं बल्कि लोगों के संस्कारों और क्षमता से मिलकर बना है। सरकार का भी यही प्रयास है कि संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का विस्तार हो, युवा पीढ़ी को उसका लाभ हो। यहां मैं श्री काशी जगतगुरु श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी की भी विशेष प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने भारतीय दर्शन कोष की रचना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। श्री सिद्धांत शिखामणि पर तो उन्होंने पीएचडी की हुई है, उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों पुस्तकें युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही हैं, उन्हें राष्ट्र निर्माण के संस्कार दे रही है। साथियों, देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता बल्कि एक एक नागरिक के संस्कार से बनता है। नागरिक के संस्कार को उसकी कर्तव्य भावना श्रेष्ठ बनाती है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण ही भारत के भविष्य को तय करेगा, नए भारत की दिशा तय करेगा। हमारी सनातन परंपरा में तो धर्म शब्द ही कर्तव्य का पर्याय रहा है और वीर शैव संतों ने तो सदियों से धर्म की शिक्षा कर्तव्यों के साथ ही दी है। एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर प्रधानमंत्री सबसे पहले जंगम बाड़ी मठ पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्री मोदी ने श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 भाषाओं में अनुदित संस्करणों और ग्रंथ का एक मोबाइल ऐप भी जारी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कहा कि भारत की राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जब तक हर जाति के व्यक्ति को राजनीति में महत्व नहीं मिलेगा, तब तक उस जाति वर्ग का विकास नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने अमेरिका के बोस्टन शहर में स्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक भारत में जाति और राजनीति विषय पर व्याख्यान में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का भूगोल उस देश की अर्थव्यवस्था तय करता है। भूगोल और अर्थव्यवस्था, वहां की राजनीति और ये तीनों मिलकर इतिहास बनाते हैं और ये सब उस देश की संस्कृति तय करती है। हमें जाति और राजनीति को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक उदाहरण है जिसमें अनेक जातियां साथ साथ रहती हैं और छत्तीसगढ़ के विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया है। हमारे छत्तीसगढ़ में संत कबीर, गुरु घासीदास और स्वामी आत्मानंद जैसे महापुरुषों का भी प्रभाव रहा है। गुरु घासीदास ने कहा था कि मनखे मनखे एक समान, ये बात आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, यहाँ जाति व्यवस्था है लेकिन जाति वैमनस्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव के स्वावलंबन को गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर लाना होगा, समृद्ध राष्ट्र और सम्मानित समाज का निर्माण करना होगा। मुख्यमंत्री ने अपने व्याख्यान का समापन स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य से किया जिसमें उन्होंने कहा था, मैं उस देश का प्रतिनिधि हूं जिसने मनुष्य में ईश्वर को देखने की परंपरा को जन्म देने का साहस किया था और जीव में ही शिव है और उसकी सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने जाति और राजनीति के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की मिसाल भी दी। इस दौरान उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बारी योजना, सुपोषण अभियान योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, नक्सलवाद और आदिवासियों के विकास में पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने शनिवार को देवभोग के 3 नए उत्पाद डेयरी व्हाइटनर, प्रोटीन ड्रिंक और कुकीज लॉन्च किए। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के कार्यालय में आयोजित इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ कथीरिया भी मौजूद थे। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में डेयरी प्रोडक्ट की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दुग्ध महासंघ ने भी इसी श्रृंखला में विश्व स्तरीय उत्पाद डेयरी व्हाइटनर, कुकीज और प्रोटीन ड्रिंक के नाम से 3 नए प्रोडक्ट बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध कराया है। अधिकारियों ने बताया कि डेयरी व्हाइटनर को उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए 12 ग्राम और 200 ग्राम के पैकेट में से लाया गया है। इसका उपयोग चाय, कॉफी के अलावा घी और खीर बनाने में किया जा सकता है। इसी तरह प्रोटीन ड्रिंक प्रोटीन और ऊर्जा से भरपूर है। वहीं कुकीज घी और दूध पाउडर से बना है। ये स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग के इस कार्यक्रम में कृषि विभाग और दुग्ध महासंघ के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने शनिवार को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में 3 दिवसीय लोकमड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि लोकमड़ई के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और उपलब्धियों को आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकमड़ई और कृषि मेला के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक विधायक दलेश्वर साहू की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक सजग जनप्रतिनिधि के साथ छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति के संरक्षक भी हैं। उनके रुझान के कारण ही ये लोकमड़ई आज भव्य रूप ले चुकी है। इस अवसर पर विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि लोकमड़ई का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का संवर्धन करना है और कृषि मेले के माध्यम से किसानों को नई नई तकनीकों की जानकारी देना है। इस दौरान मंत्री और विधायक ने कृषि मेले के स्टॉलों का अवलोकन किया और राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी की सराहना की। 3 दिवसीय इस लोकमड़ई में रोजाना लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन देशभक्ति गीतों, लोक नृत्य, प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्यों व गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियों से कलाकारों ने खूब वाहवाही भी बटोरी। Thank you.
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी ने कहा कि निश्चित ही एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से न सिर्फ लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा बल्कि एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत से भी हम परिचित हो सकेंगे। कार्यक्रम प्रमुख शैलेश फाई ने बताया कि 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी की राष्ट्रीय अखंडता की मूल भावना को आत्मसात करना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अभियान है उसके तहत महात्मा गांधी के जीवन से बढ़कर कोई बेस्ट थीम हो नहीं सकती थी, इसलिए हमने इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण रखा है वह है महात्मा गांधी की जीवनी, जिसको आकर्षक रेयर दुर्लभ फोटोग्राफ छायाचित्रों के माध्यम से हमने दर्शाने का प्रयास किया है। और इस केंद्र के चारों तरफ हमने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जिससे कि लोग जुड़े कार्यक्रम से और आपस में विचार विमर्श, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि हो और इस उत्साह के माहौल में वह ये लोग गांधी जी की मूल भावना को, देश की अखंडता की जो उनकी भावना थी, उसको आत्मसात करें और अपने जीवन में उसको प्रयोग में लाए। उल्लेखनीय है कि विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक एकता को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के दौरान स्कूली बच्चों और क्षेत्रवासियों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कला संस्कृति का आदान प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम गुजरात के लोक साहित्यकार हसु याज्ञिक के बारे में जानते हैं। श्री याज्ञिक के 84वें जन्मदिन के अवसर पर शब्द ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 21 से ज्यादा उपन्यास, लघु कथा संग्रह और विवेचन ग्रंथ लिख चुके श्री याज्ञिक का लोक साहित्य के संपादन में बड़ा योगदान है। उन्होंने व्रत कथाएं, लोकगीत, गरबा, विवाह के लग्न गीत और लोक साहित्य की मौखिक परंपरा की रचनाओं का संपादन किया है। उन्होंने हारमोनियम वादन, वायलिन वादन, शास्त्रीय और अशास्त्रीय राग पर आधारित विषयों पर संशोधन पत्र भी लिखे हैं। प्रमुख अध्ययन विषय लोक साहित्य रहा और उसमें तुलनात्मक लोक साहित्य मेरा रस का विषय है। आज के हमारे जो गुजरात, राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़ अलग अलग है, छत्तीसगढ़, लेकिन पश्चिम भारत का ये फोकलोरिक मैप दौरे नक्शा, तो उसमें ये परंपरा समान ही है, उसके विधिगत समान है, उसके विधि के साथ संलग्न गीत भी समान है और ऋतुचक्र के साथ, या अनाज बोने के लिए, उसको काटने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए के जो क्षेत्रपाल की विभावना है और जो लोक देव लोक देवी है, लोक धर्म की परंपरा है, मान्यता है, ये सब सामान्य है। इसलिए वो झवेरचंद मेघाणी लोक साहित्य केंद्र ने फेलोशिप पर मुझे राजस्थान और गुजरात की लोक कथाओं का तुलनात्मक अभ्यास का पुस्तक लिखने का दिया। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा उनको पश्चिम भारत के स्कॉलर के तौर पर पसंद किया गया था। कला के विद्वान के तौर पर उन्हें पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद साहित्यकारों ने भी हसु याज्ञिक की किताबों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। खासतौर पर उन्होंने वनवासी और लोक साहित्य के पर शास्त्रोक्त अध्ययन किया। हमारे यहाँ गुजरात में बहुत सा लोक साहित्य तो हुआ है, लेकिन लोक साहित्य का कुछ शास्त्रोक्त पूरा अध्ययन होना ये बाकी था। हसुभाई ने यह काम किया और इस काम के कारण उनका देश विदेशों में भी गुजरात के वनवासी आदिवासी साहित्य क्या है, कैसा है और उसका समग्र भारत के साथ लगाव क्या है, पूरी दुनिया में भी लोक साहित्य कोई कंपार्टमेंट नहीं, एक साथ जुड़े हुए सब, तो ये सब जोड़कर उन्होंने लिखा है। तो एक समग्र रूप से लोक साहित्य का अध्ययन किसी को करना है तो हसुभाई के पुस्तकों के द्वारा हो सकता है। कार्यक्रम में मौजूद साहित्यकारों ने कहा कि 84 वर्ष की आयु में भी हसु याज्ञिक की लेखन के प्रति ललक उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि नागरिकों के संस्कारों और मूल्यों से बनता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बोले सीएम बघेल, राजनीति में हर जाति। देवभोग के 3 नए उत्पाद बाजार में, कृषि मंत्री ने लॉन्च किए डेयरी व्हाइटनर, प्रोटीन ड्रिंक और कुकीज। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में 3 दिवसीय लोकमड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।